उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम हाजिर हुए हैं एक अनोखी तरीन खबर के साथ, जिसे सुनकर आपके लिए एक बार तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि खबर ना सिर्फ हकीकत पर मबनी है बल्कि इसकी तफसीलात मजीद होश उड़ा देने वाली हैं। आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो असल खबर का जायजा लेते हैं, जो कि कुछ यूं है कि पिछले दिनों सादिकाबाद के एक हॉस्पिटल में एक 10 माह की बच्ची को दाखिल कराया गया, जिसके पेट से बच्चा निकाले जाने का इंकशाफ हुआ है। अब इससे पहले कि आप इस खबर को फेक होने का टैग लगाएं या इसे कयामत की निशानी करार दें, हम आपको बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक खबर बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? एक 10 माह की मासूम बच्ची के पेट में एक बच्चा इतने महीने मौजूद रहा, ये सारा मामला कब मंजरे आम पर आया और असल हकीकत क्या सामने आई, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, ये मेडिकल हिस्ट्री में सामने आने वाले अनोखे तीन केसेस में से एक है, जो उस वक्त सामने आया जब बच्ची को पेट में शदीद दर्द की तकलीफ के साथ अस्पताल लाया गया। अल्ट्रासाउंड के दौरान पेट में पानी की थैली और एक रसोली दिखाई दी गई, जिसके बायस डॉक्टर्स ने ऑपरेशन तजवीज किया। ऑपरेशन के दौरान ऐसा नाकाबले यकीन वाकया पेश आया कि जिसे देखते ही सब दंग रह गए। मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि उस चेकअप से पहले बच्ची अपनी पैदाइश के एक महीने बाद से ही पेट की तकलीफ में मुब्तिला थी। चेकअप करवाने पर कुछ खास अफाका ना हुआ। 9 माह तक बच्ची और उसके वालदैन सख्त अजियत में मुब्तिला रहे। तरह तरह के डॉक्टर्स को दिखाया गया और सारे जतन किए गए, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। फिर बिल आखिर सादिकाबाद के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड तजवीज किया और अल्ट्रासाउंड में रसोली और पानी की एक थैली की निशानदेही हुई, जिसके बाद ऑपरेशन करके इन्हें निकालने का फैसला किया गया। 2 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद जब आखिरकार रसोली को निकाला गया तो पता चला कि यह रसोली किसी भी तरह कोई आम रसोली नहीं थी। डॉक्टर्स भी इसे देखकर परेशान रह गए, क्योंकि इसकी नौइयत बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान की अब तक की मेडिकल तारीख में यह अपनी नौइयत का एक अनोखा वाकया था। रसोली का जब मुकम्मल जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि यह रसोली नहीं, दरअसल एक बच्चा था। वालदैन भी ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि इनकी 10 माह की बच्ची के पेट में ये बच्चा कहां से आया। नाज़रीन, ये वाकया हमारे सूबा पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद में पेश आया। बच्ची के पेट से जो बच्चा निकाला गया वो दरअसल उसी का जुड़वा था, जो माँ के पेट की बजाय उस बच्ची के पेट में मुंतकिल हो गया और बच्ची की पैदाइश से लेकर अब तक इसके पेट में ही परवरिश पा रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा हो जाना मेडिकली मुमकिन है और बेशक अनहोनी होने के बावजूद नामुमकिन बात नहीं है। दुनिया भर में अब तक ऐसे तकरीबन 200 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं और मेडिकल की जुबान में ऐसे केसेस को फैटिस या FIF का नाम दिया जाता है। दुनिया भर में 5 लाख बच्चों की पैदाइश में से एक के साथ ये अनहोनी होने के इम्कान मौजूद होते हैं। इस नौयत का पहला केस 1860 में सामने आया था और तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ 200 केसेस ही रिपोर्ट हुए हैं। भारत, जिसका शुमार आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में होता है, वहां भी अब तक सिर्फ 10 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैटिस के हवाले से कई तरह के मफरूजात पाए जाते हैं, जिनमें से बाज मालूमात को मेडिकली दुरुस्त भी माना जाता है। बताया जाता है कि फैटिस एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें 2 जुड़वा बच्चे अपनी माँ के पेट में एक साथ वजूद में आते हैं और थोड़े ही अरसे में एक बच्चे के जीन्स दूसरे बच्चे के जीन्स पर काबू पा लेते हैं और इसके पेट में परवरिश पाने लगते हैं। ऐसे बच्चे को पैरासाइट फैटिस भी कहा जाता है। इस फैटिस के अज्जा देर तक जिंदा रहते हैं, लेकिन एक दूसरे बच्चे के पेट में होने की वजह से ये बच्चा मुकम्मल तौर पर डिवेलप नहीं हो पाता। इसके बाकी तमाम जरूरी बॉडी पार्ट्स जैसे कि दिल, गुर्दे और फेफड़े वगैरह भी नशोनुमा नहीं पा सकते। यही वजह है कि यह बच्चा बजाहिर जिंदा लेकिन असल में मुर्दा होता है। इसकी अपनी जिंदगी तो खत्म हो चुकी होती है, साथ ही साथ वो अपने होस्ट बच्चे की जिंदगी के लिए भी खतरा बन जाता है, जैसा कि सादिकाबाद की इस बच्ची के साथ हुआ। ऑपरेशन के जरिए दूसरा बच्चा तो निकाल लिया गया, लेकिन अब वो बच्ची आने वाली जिंदगी में पूरी तरह सेहतमंद हो सकेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नज़रीन-ए-ग्रामी, मेडिकल की तारीख में ऐसे जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इनसे जुड़ी कई तरह की पेचीदगियां भी सामने आई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाने वाला मसला उस बच्चे की जिंदगी को लाग सेहत के मसाइल है जिसका ऑपरेशन किया जाता है। क्योंकि बाज औकात ऐसा होता है कि रसौली निकालते वक्त कुछ बाकियात वहीं रह जाती हैं, जिनकी बदौलत इस फैटिस के दोबारा एक्टिव हो जाने के कभी इम्कान होते हैं और वो एक बार फिर अपने बहन या भाई की जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। इसी तरह जब तक ये बच्चा अपने होस्ट बच्चे के पेट में रहता है, तब तक होस्ट बच्चा पूरी तरह सेहतमंद नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी से गजा हासिल करता रहता है।
और कुछ केसेस में ये जिस्म के दूसरे अज़ा तक भी फैल सकता है, जिसके नतीजे में होश बच्चा पेट की मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला रहता है। चुनांचे ये एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल होती है, जिससे पूरी तरह निकल जाने के इम्कान भी बहुत कम होते हैं। नाज़रीन-ए-गिरामी, एक और हैरत अंगेज मालूम ये सामने आई है कि फैटिस जैसे केसेस जरूरी नहीं कि सिर्फ नौ मौलूद बच्चों में ही पाए जाएं, बल्कि बाज़ औकात बालिग अफराद में भी इसकी निशानदेही की गई है। दुनिया भर में ऐसे तकरीबन 60 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिनमें बालिग अफराद को फैटिस जैसे केसेस का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में ये कहा जाता है कि मेडिकली बालिग अफराद में ये केसेस ज्यादातर मेल जेंडर को पेश आते हैं, जिनमें इनका जुड़वा पैरासाइट फैटिस बनकर इनके पेट में परवरिश पाने लगता है, जिसे ज्यादातर रसौली के तौर पर तशखीस किया जाता है। ऐसे ही एक हैरानकुन वाके में एक शख्स जिसकी उम्र 47 साल थी, पेट के शदीद दर्द के सिलसिले में हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और दौरान इलाज पता ये चला कि मामला फैटिस केस का है। आप अंदाजा लगाइए कि तकरीबन आधी उम्र गुजर जाने के बाद उस शख्स को अपने पेट में पलते हुए फैटिस का अचानक से इल्म हुआ। इसी तरह चंद साल पहले यूरोप में एक 17 साल लड़की काफी अरसे तक पेट के शदीद दर्द में मुब्तला रही। कई तरह के इलाज मुआलजे के बाद भी डॉक्टर्स को सूरत हाल का अंदाजा नहीं हो सका। बज़ाहिर देखने में सेहतमंद लड़की, जिसके तमाम आज़ा अपनी सेहतमंद हालत में थे, जिसे माहाना माहवारी का भी कोई मसला नहीं था, फिर भी उसके पेट की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी भूख भी खत्म होती जा रही थी और बिल आखिर पाए के डॉक्टर्स ने उसके पेट में एक अजीबो गरीब रसौली का इंकशाफ किया, जिसकी हियत बिल्कुल अलग थी। केस आगे बढ़ा तो मालूम हुआ कि यह भी फैटिस का ही एक केस था। दोस्तों, दुनिया भर की मेडिकल हिस्ट्री इस तरह के अनहोने वाकयात से भरी पड़ी है। जरूरत इस अमर की है कि ऐसे केसेस मेडिकल की आला साइंसी सतह तक रिपोर्ट होने चाहिए, ताकि इन पर मजीद रिसर्च की जा सके और इन केसेस के तमाम पेचीदा मामलात को मुनासिब तरीके से हल किया जा सके। जी तो मुआज़िज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।